आप इधर रुके हैं नाश्ते के लिए। सीन ही है यार, अभी कैमरा नहीं निकाला, कैमरा जो है वो बैग में। हरी क्रॉस हो गया, अब अयोध्या के लिए रवाना। तो जी जनाब, इस टाइम अयोध्या से थोड़ा सा बिल्कुल पीछे हैं, नथिया गली पहुंचते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सवारी तैयार, चलते हैं जी। तो जी जनाब, काठा लेक पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन नथिया गली से काफ़ी आ गया, नथिया गली भी क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद भी काफ़ी आ गया। वैसे जितना डिस्क्राइब किया हुआ था वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था इसको। व्यू थोड़ा सा अच्छा है, मतलब तस्वीरों के लिए, लेकिन इतना कुछ ख़ास नहीं है, जिस तरह दिखाते हैं उस टाइप का नहीं है। सिर्फ ये फ्रंट का एक व्यू है बस, तस्वीरों के लिए जो थोड़ा अच्छा है। इसी शायद व्यू को देख के मुझे अट्रैक्शन हुई थी जो मैं यहाँ आया। चलो, एक्सपीरियंस जाया नहीं जाता किसी का भी। क्यों जनाब, जाया तो गया। चलिए जी, फिर यहाँ जो काम हो सकता है वही करते हैं। शूट के लिए अच्छी जगह है वो, पीछे बैकग्राउंड बस अच्छा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पानी भी, ये जब मैंने वीडियो देखी थी उस टाइम यहाँ नीचे पानी था, अभी कोई नहीं, खुश्क हुआ है। गर्मी भी है यहाँ, धूप निकली भी है, हालांकि ऊपर बहुत ज़बरदस्त मौसम था। नथिया गली से नीचे उतरे हैं, तो चलो ये शूट वूट करके फिर आगे निकलते हैं। तो जी जनाब, फोटो शूट पूरा हो चुका है, कैमरा अब रखते हैं वापस बैग में। असल में तस्वीरों के लिए मैंने कैमरा रख लिया है, क्योंकि बैटरी का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आगे बहुत जगह जाना है। अगर वीडियो बनाता रहा तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मसला है, तो इसको ऐसे ही चलाते हैं। उम्मीद है मोबाइल से सही बन रही होगी वीडियो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अयोध्या का प्लान थोड़ी देर के लिए फ्लॉप किया, अयोध्या जाएंगे इसके बाद। फिलहाल हम जा रहे हैं मुशपुरी, हाइकिंग का सीन है सारा,
वो नीचे से चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सांस फूल है, रेस्ट करते हैं थोड़ा फिर ऊपर जाते हैं। कभी गया नहीं मैं पहले, लेकिन ये है कि आराम आराम से चलते हैं वो। सुना है कि जगह फिट है, तो इस वजह से मेहनत हो रही है, लेकिन हाइकिंग बहुत हार्ड है ये। ट्रैक दिखाता हूँ आपको, सीधा ऊपर है ये। तो ये जनाब ट्रैक है, सीधा ऊपर जाना है। टोटल चढ़ाई है, जाहिर सी बात है सांस तो फूलेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही तो हाइकिंग होती है यार, सांस फूलती है पसीना निकलता है। अभी इतनी ठंड है यहाँ पे, फिर भी पसीना आ रहा है, यही तो हाइकिंग है। तो चलो यार हाइकिंग पूरी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं।